आज ऐतिहासिक दिन है। 34 साल के बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। मैं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुरानी शिक्षा नीति के मुकाबले हम नई शिक्षा नीति में कहाँ हैं, जो बड़े परिवर्तन हैं वो क्या हो रहे हैं उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में, और इसका क्या आउटकम रहेगा, कितने छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे, किस प्रकार से नए संस्थान खुलेंगे, इस पर एक प्रेजेंटेशन है। सर ज़्यादा लंबा नहीं है, इट इज़ 11 स्लाइड्स। आई विल जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड दैट स्टार्टिंग विद द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वे बैक इन 1948, देयर वाज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉलोड बाय कोठारी कमीशन, एंड कोठारी कमीशन वॉज द वन which led to the formulation of the National Policy on Education in 1968. Now from 68 to 86, the same policy continued. 86, there was the new policy, the NPE, National Policy on Education 86. Uska sanshodhan bahut simit roop se 1992 mein, 1992 it was amended, but actually it is the 86 policy which had been continuing till date, that is for last 34 years. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो निर्देश हैं उसके आलोक में एक व्यापक कंसल्टेशन किया गया, इट हैज बीन वाइडली कंसल्टेड, एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, थ्रू माई गॉव प्लेटफॉर्म वी अप्रोच्ड ऑल द 2.5 लाख ग्राम पंचायत फॉर देयर सजेशंस. Then when the draft committee report of Dr. Kasturi Rangan's draft National Education Policy was presented, we got it translated into 22 languages. Again there were widespread consultations. There was education dialogue with honorable members of parliament. There was a special meeting of Central Advisory Board of Education on 21st of September last year. There was also a special meeting, parliamentary standing committee on human resources had taken a special meeting on 7th of November. So there has been wide consultation not only with the governments, state governments, with central ministries, state governments, with the academia, but also the involvement of the common people. लोगों से राय ली गई कि आप अपनी शिक्षा नीति में क्या देखना चाहते हैं, और इस के आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे, और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में यह रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वॉन्ट टू टेक ए सबैटिकल फॉर ए ईयर, और आई वॉन्ट टू टेक ए ब्रेक फॉर एनी रीजन, फैमिली कंडीशन और अदरवाइज फॉर सम टाइम, एंड आई रिटर्न आफ्टर ए फिक्स पीरियड विद इन ए फिक्स पीरियड ऑफ विच विल बी प्रिस्क्राइब बाय द न्यू हायर एजुकेशन कमीशन, इफ आई कम बैक टू द एजुकेशन सिस्टम आई विल नॉट बी आस्क्ड टू रिपीट द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, माई क्रेडिट्स आर ऑलरेडी देयर इन द एकेडमिक क्रेडिट बैंक, आई विल यूटिलाइज दोज क्रेडिट्स फॉर माई फर्दर एजुकेशन। इसमें यह भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए
अलग व्यवस्था, 4 साल डिग्री प्रोग्राम। जो नौकरी में जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil, दे कैन गो टू PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है, उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टीडिसिप्लिनरी, वेल राउंडेड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेडेड अटोनमी ऑफ ऑटोनमस कॉलेजेस, ये आप में से प्रायः बहुत लोग अवगत होंगे कि हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको हम संबद्धता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो इनकी संख्या 800 तक पहुंच गई, जिसके कारण न केवल गुणवत्ता में गिरावट आती है बल्कि विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र ही बने रहते हैं, लगातार वहां परीक्षा चलती रहती है। ग्रेडेड अटोनमी की व्यवस्था ये होगी कि उनके एक्रेडिटेशन स्टेटस के आधार पर A+, A, B, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक अटोनमी और फाइनेंशियल अटोनमी कॉलेजेस को दी जाएगी। जो A+ हैं वो ज़्यादा अटोनमी पाएंगे, ए वाले उससे कम, और बी ग्रेड में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप अपने आप में सुधार लाएं, तब आपको आगे इसमें व्यवस्था की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है उसके उन्नयन और जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छे मेंटर मिले, उनके एलुमनाई से, उनके टीचर से, इसकी व्यवस्था रहेगी। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव UGC, AICTE एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दे विल बी सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रेडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटर रहेगा और वो रेगुलेटर सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। हर चीज के लिए बार बार इंस्पेक्शन टीम बना के भेजने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके जगह सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड व्यवस्था लाई जाएगी। एज ऑन डेट वी हैव डिफरेंट नॉर्म्स फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। देव न्यू पॉलिसी सेज दैट फॉर रीजंस ऑफ क्वालिटी नॉर्म्स विल बी सेम एंड नॉट एज पर द ओनरशिप। चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। फी फिक्सेशन पर भी समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसका विस्तृत उल्लेख पॉलिसी में किया गया है। ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन फी पर कैप रखा जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट दोनों और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, फी फिक्सेशन पर के लिए भी इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और जो शुरू से हमारा लक्ष्य रखा है कि GDP का 6%
शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए. अभी एज ऑन डेट इट इज अराउंड 4.43%, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. दैट विल वी विल वर्क टुगेदर, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विल वर्क टुगेदर टू अचीव 6%. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यूएसए में नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहां के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन एनएसएफ के माध्यम से स्पॉन्सर होते हैं. हमने उसको थोड़ा सा सरकार ने विस्तृत करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें ना केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा. और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग करेगा. और इससे हम समझते हैं कि शिक्षा के साथ रिसर्च में जो हमको आगे आना है, जो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंटिंग, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे. शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पॉलिसी ने विस्तार से चैप्टर 12 में उल्लेख किया है. और उल्लेख ये है कि हम अपने देश के शिक्षा को, कि उच्च शिक्षा को इस स्तर का बनाएंगे कि बाहर के विद्यार्थी हमारे साथ आएं, और जो एक्सचेंज होते हैं वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेश के हाई रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हों. स्टैंड अलोन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की ओर हम बढ़ेंगे. टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग ड्राफ्ट पॉलिसी में भी उल्लेखित था. कोविड के कारण पूर्व से ही व्यापक उपयोग होने लगा है. पॉलिसी में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा विथ इक्विटी, यानी हम समावेशी रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे साथी पीछे हैं या जो आर्थिक कारणों से जिनके पास डिवाइस या कनेक्टिविटी में रुकावट है तो हम उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे. नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बट एवरी चाइल्ड विल बी टेकन ऑन बोर्ड. इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन सभी भाषाओं पर ध्यान देते हुए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लैंग्वेज फैकल्टी के रिसर्च जो लैंग्वेज पे होता है, जो क्लासिकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तेलुगु, कन्नड़, और जो CIL मैसूर है जिसमें और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सब पे ये जोर दिया जाएगा कि जो साइंटिफिक और लिटरेचर है जो अलग अलग भाषाओं का है उसको हम लोग आगे लाएं. और ट्रेडिशनल आर्ट्स, जो आर्ट्स यानी कि उसमें क्राफ्ट्स भी सम्मिलित हैं, लोक विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जो पीछे कई बार हम लोग मॉडर्नाइज होने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जो हमारे लोक विद्याएं छूट जाती हैं उनको भी हम आगे ले जाएंगे. और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें चार मुख्य हैं. शिक्षा की जो योजना बनेगी, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, जो समस्याएं आज देखने को आ रही हैं विशेषकर असेसमेंट में, एग्जाम्स के बारे में, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि सेमेस्टर वाइज, मिड सेमेस्टर वाइज ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से 360 डिग्री असेसमेंट होगा. उसका उल्लेख जब स्कूल में आएंगे तो आप मेरे सहकर्मी करेंगी. मैंने पहले भी कहा एक्सेस टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स. डिसएडवांटेज कुड बी इकोनॉमिकल, डिसएडवांटेज कुड ऑल्सो बी ड्यू टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स. उनके बारे में भी विशेष उल्लेख है कि दिव्यांगजनों के लिए टेक्निक का और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम कैसे उनको शिक्षा में आगे बढ़ेंगे. ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस. कई बार हमारा विशेषकर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में फोकस पूरी तरह से इंग्लिश पे हो जाता है या कहीं कहीं पे हिंदी पे रहता है, लेकिन जो ई कोर्सेज रहेंगे वो कम से कम 8 भाषाओं में, ये मंत्री जी ने बीच में ही निर्णय लिया है कि देश की जो प्रमुख 8 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इधर गुजराती, मराठी और ओडिया, बंगाली, तो इनमें हम
ई कोर्सेज डेवलप करेंगे, केवल इंग्लिश हिंदी में नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई कोर्स रहेंगे। वर्चुअल लैब्स पर कार्य आईआईटी मद्रास ने शुरू कर दिया है। बहुत से कॉलेजेस में लैब्स नहीं रहते हैं या स्कूल में लैब की वैसी व्यवस्था नहीं रहती है। आजकल सिमुलेटर टाइप के लैब नई टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, उनको ला करके लैब का एक्चुअल फील्ड हैंड ऑन एक्सपीरियंस हम वर्चुअल लैब से कराएंगे। इसके लिए एक नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, कोई अलग से ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने का नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशनिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इन सबको एक जगह लाने